Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. मैं हूं रुखसार शहजाद. सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस. कैनेडियन शहरी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने में हिचकिचाहट का शिकार. सर्वे के मुताबिक शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन से गैर मुतमईन दिखाई दी. 23% शहरी वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते. कनाडा भर में कोरोना की वार तेजी से जारी. मरीजों की मजमू तादाद 10,71,016 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 23,356 हो गईं. कनेडियन सूबे ओंटेरियो में स्कूलों को एक बार फिर बंद करने का फैसला. तलबा ऑनलाइन तालीम हासिल करेंगे. फैसला कोरोना वायरस में इजाफे के सबब किया गया. टोरंटो में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया. वायरस की नई खतरनाक अकसाम भी तेजी से फैलने लगी. अप्रैल तक शहर में रोजाना 2500 से ज्यादा केसेस सामने आने का खदशा. अमेरिका में पुलिस के हाथों एक और सिया फाम हलाक. मुल्क भर में मुजाहिरे फूट पड़े. पुलिस की फायरिंग से दो अफराद हलाक भी हुए. क्लाइमेट चेंज की आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को मदऊ किया जाए. अमरीकी रुकन कांग्रेस का जॉन कैरी को खत. पाकिस्तान खत्ते में अमरीका का अहम इत्तेहादी है. सिया फाम फौजी को गिरफ्तार करने और काली मिर्च छिड़कने वाले पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई. दो पुलिस एहलकारों में से एक को बरतरफ कर दिया गया. वर्जीनिया के गवर्नर का कहना था कि हमें ऐसे वाकियात पर अफसोस है. तालिबान ने तुर्की समिट में शिरकत से इनकार कर दिया. तर्जुमान तालिबान का कहना है कि अमरीकी फौजियों के इनखला से कबल किसी किस्म के मुजाकरात की गुंजाइश नहीं. इस समिट में शिरकत मुफीद साबित नहीं होगी. दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात 29,00,000 से तजावुज़ कर गईं. कोरोना वायरस केसेज अमवात में अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है. मुतासर अफराद की तादाद 13,72,78,679 तक जा पहुंची. वालिद के पैसे चुराने पर उल्टा लटका कर पिटाई हुई थी. मेरी पहली गर्लफ्रेंड फ्रेंच खातून थी. अदाकार जावेद शेख के अपनी जिंदगी से मुतालिक दिलचस्प इंकशाफात. मास्क ना पहनने पर लड़के को पीछे हटने का कहा. शहजाद रॉय का मद्दा के साथ पेश आने वाले वाकये पर बयान. शहजाद रॉय की इस पोस्ट को मुतादित लोगों ने पसंद किया. ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म मुलायम और साफ. आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com. हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ. एक ताज़ा सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि कैनेडियन शहरियों की बड़ी तादाद एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल में हिचकिचाहट का शिकार है. मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. एक ताज़ा तरीन सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि कैनेडियन शहरियों की बड़ी तादाद एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल में हिचकिचाहट का शिकार है. एंग्स रेड पोल के मुताबिक 23% शहरियों ने कहा है कि वो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, जबकि 54% शहरियों का ख्याल है कि ये वैक्सीन उनके लिए मुफीद नहीं है. ये सर्वे इस वक्त किया गया जब मुजवजा वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद खून में लोथड़े बनने और दीगर मसाइल मीडिया में शाया हुए. दूसरी जानिब सेहत आमा के हुक्काम का कहना है कि एस्ट्राजेनेका महफूज और मौसर दवा है. कैनेडा में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने वाले अफराद में खून के जमने के वाकयात की कोई इत्तला नहीं मिली और सेहत के हुक्काम इस वैक्सीन को बरकरार रखते हैं जो महफूज और मौसर हैं. राय दहिंदगान को फाइजर बायोटेक और मॉडर्ना की वैक्सीन से मुतालिक इस किस्म की कोई तश्वीश नहीं थी. 5 से 6 अप्रैल के दौरान किए जाने वाले इस सर्वे में 1577 अफराद ने हिस्सा लिया था. ऑन्टेरियो में कोरोना केसेस की बुलंद तरीन शरह सामने आ गई है, जब एक दिन में 4,401 केस रजिस्टर्ड हुए. इस दौरान 47,929 टेस्ट भी किए गए. मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं. कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमू तादाद 10,71,016 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 23,356 हो गई, जबकि 9,72,525 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं. ऑन्टेरियो में कोरोना केसेस की
बुलंद तरीन शरह सामने आ गई है, जबकि एक ही दिन में 4,401 केस रजिस्टर्ड हुए। इस दौरान 47,929 टेस्ट भी किए गए। सूबे में कोरोना केसेस की शरह 9.5% रिकॉर्ड की गई है, जो बुलंद तरीन शरों में से एक है। हुकाम ने शहरियों से तआवुन करने और कोरोना के खिलाफ इकदामात पर पूरे तौर से अमल करने की अपील की है। ऑन्टेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 3,91,009 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 7,567 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,27,982 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,744 तक पहुँच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,62,038 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 2,018 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 1,00,000 से तजावुज कर गई, जहां 1,12,829 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,513 है। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में अप्रैल के वक्फे के बाद तमाम स्कूल गैर मुयना मुद्दत के लिए बंद कर दिए जाएंगे और तलबा एक बार फिर ऑनलाइन तालीम हासिल करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में अप्रैल के वक्फे के बाद तमाम स्कूल गैर मुयना मुद्दत के लिए बंद कर दिए जाएंगे और तलबा एक बार फिर ऑनलाइन तालीम हासिल करेंगे। सूबे के वजीर तालीम स्टीफन लीचे के वालदैन को लिखे गए एक खत के मुताबिक सूबे भर में स्टे एट होम हुक्म के दौरान स्कूलों को खुला रखने के अपने अजम का आधा किया गया है। इस ऑर्डर के तहत चाइल्ड केयर सेंटर्स खुले रहेंगे, लेकिन इससे पहले और बाद में स्कूल की उम्र के बच्चों की देखभाल की पेशकश नहीं की जाएगी। खत लिखे जाने के एक ही दिन बाद प्रीमियर डग फोर्ड ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में स्कूल बंद करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि ये वो नहीं है जो आप में से बहुत सुनना चाहते हैं। वजीर तालीम और उनकी टीम ने स्कूलों को महफूज रखने में नाकाबिले यकीन काम अंजाम दिया है, लेकिन हमारे बच्चों को एक हफ्ते के बाद स्कूल की तरह किसी जमात में वापस लाना एक खतरा है और ये खतरा मैं नहीं लूंगा। वजारत तालीम के अहदेदारों ने मुस्तकिल तौर पर यह दावा किया है कि स्कूल कोरोना के फैलाव का जरिया नहीं है और महफूज रहते हैं। ताहम पिछले हफ्ते टोरंटो, पील और गल्फ के इलाके में सेहत के मेडिकल ऑफिसर्स ने हालिया केसेस में इजाफे की वजह से तमाम स्कूल बंद करने का हुक्म दिया था। टोरंटो की चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि अप्रैल के आखिर तक शहर में रोजाना की बुनियाद पर कोरोना के 2,500 केसेस सामने आ सकते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एलन डी विला ने कहा है कि अप्रैल के आखिर तक शहर में रोजाना की बुनियाद पर कोरोना के 2,500 केसेस तक सामने आ सकते हैं। वबाई बीमारी की तीसरी लहर ने शहर में तबाही मचा दी है। उनका कहना था कि कोरोना वायरस में तेजी से फैलाव की वजह कोरोना की शदीद खतरनाक किस्म B.1.1.7 की शिद्दत में इजाफा है, जबकि इस माह बीमारी से 5 अफराद हलाक भी हुए हैं। एलन डी विला ने बताया कि शहर में 7 रोज में औसतन 941 COVID-19 के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो 3 हफ्ता कबल पेश करदा अदादोशुमार से 116% ज़ायद हैं। एलन डी विला ने कहा कि पूरे शहर में वैक्सीन की कवरेज के सिलसिले में चैलेंजेस का सामना था। एलन डी विला ने बोर्ड ऑफ हेल्थ, विफाकी और सूबाई हुकूमत दोनों से दरख्वास्त की कि वो टोरंटो में कोरोना वैक्सीन की फराहमी को तरजीह दें और उसमें इजाफा करें। दूसरी जानिब टोरंटो के मेयर जॉन टॉरी का कहना है कि इस हफ्ते टोरंटो में पॉपअप क्लिनिक्स में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल वसी पैमाने पर जारी है। शहर के ज्यादा मुतासर महलों में 18 साल से ज्यादा उम्र के बाशिंदों की वैक्सीनेशन के लिए शहर सूबे के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमेरिका में मुसलसल चौथे हफ्ते कोरोना वायरस के नए केसेस में इजाफा हुआ है, जहां गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना वायरस के 8% नए केस रिपोर्ट हुए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं, इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 13,72,78,679 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 29,59,324 हो गई, जबकि 11,04,72,478 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सरे फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से ज्यादा आबादी का हामिल अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 5,76,298 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमू तादाद
3,19,90,143 हो चुकी है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से एक बार फिर दूसरे नंबर पर आ गया, जहां इस वायरस से 1,71,089 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर 1,36,89,453 मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की इस फहरिस्त में ब्राजील फिर तीसरे नंबर पर आ गया, ताहम यह अमवात के हवाले से फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहाँ इस जानलेवा वायरस से 3,55,031 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इसके मुतासर मरीजों की तादाद 1,35,21,409 हो गई। बरतानिया में कोरोना वायरस के बाइस अमवात की तादाद 1,27,100 हो गई, जबकि केसेस की तादाद 43,73,343 हो चुकी है। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 34,182 तक जा पहुंची हैं, जबकि कोरोना वायरस के केसेस 39,03,573 हो चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 42वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहाँ कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,765 रिपोर्ट हुई है, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,99,277 तक जा पहुंची है। मशहूर अदाकार जावेद शेख का कहना है कि अदाकार बनने के लिए वालिद के पैसे चुराने पर उल्टा लटका कर पिटाई हुई थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मशहूर अदाकार जावेद शेख का कहना है कि अदाकार बनने के लिए वालिद के पैसे चुराने पर उल्टा लटका कर पिटाई हुई थी। एक इंटरव्यू के दौरान जावेद शेख का कहना था कि 12 से 13 साल की उम्र में वालिद साहब के जेब से 100 रुपए चुराए थे, जिसके बाद अपने दोस्तों के साथ अदाकार बनने के लिए लाहौर की ट्रेन में सवार हो गया। मैं बहुत खुश था और वालिद साहब के पैसों से ट्रेन में बैठकर लड्डू खा रहा था, ताहम बदकिस्मती से वालिद साहब को पता चल गया और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे ढूंढना शुरू किया। वालिद साहब ढूंढते ढूंढते स्टेशन तक पहुंचे और मुझे गर्दन से दबोच दिया, जिसके बाद घर में उल्टा लटका कर मेरी पिटाई हुई। जावेद शेख ने कहा कि मेरी पहली गर्लफ्रेंड फ्रेंच खातून थी, मेरी उससे कराची में मुलाकात हुई लेकिन वो पेरिस में रहती थी और यहाँ छुट्टियाँ गुजारने के लिए आई हुई थी। उस वक्त मैं कुछ नहीं था, लिहाजा फ्रांस गर्लफ्रेंड से मिलने जाने के लिए वालिद साहब की गाड़ी बेची और टिकट लेकर चला गया था, जिस पर मुझे एक बार फिर वालिद साहब ने मारा था। पाकिस्तान के मारूफ गुलूकार शहजाद रॉय ने अपने एक मद्दा और उसके वालिद के साथ होने वाली गुफ्तगू के हवाले से बताया कि एक लड़का मेरे पास सेल्फी के लिए आया जिसने मास्क नहीं पहना हुआ था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के मारूफ गुलूकार शहजाद रॉय ने अपने एक मद्दा और उसके वालिद के साथ होने वाली गुफ्तगू के हवाले से बताया है कि एक लड़का मेरे पास सेल्फी के लिए आया जिसने मास्क नहीं पहना हुआ था, जिस पर मैंने उससे कहा कि पीछे हट जाओ। शहजाद रॉय ने बताया कि मेरे जवाब देने के कुछ मिनट बाद लड़के के वालिद ने मेरे पास आकर गुस्से का इजहार किया, जिस पर मैंने उनसे कहा कि मैंने जो कहा वो आपके बच्चे के तहफ्फुज़ के लिए कहा। शहजाद रॉय ने कहा कि लड़के के वालिद ने मुझे जवाब दिया कि इतना नुकसान तो इस बच्चे को कोरोना से भी नहीं होता जितना तुमने उसका दिल दुखा कर किया है। शहजाद रॉय की इस पोस्ट को मुतादित लोगों ने पसंद किया और कई सार्फीन ने उनके बयान किए गए वाक्य पर अपनी राय भी दी। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी। टैक टीवी अपडेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कनाडा एंड अराउंड द ग्लोब।